हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने 26 फीट बाय 36 प्लॉट के ऊपर 3 BHK क्रिएट किया। यह प्लान आपका ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा, और इस प्लान को मैंने वास्तु के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं इस ड्राइंग को। इस ड्राइंग में आपका एंट्रेंस ऐसे होगा। इस डोर का साइज रहेगा 4 फीट, और आपका घर का फर्श इस ज़मीन से 2 फीट की ऊँचाई पर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 राइजर दिए, 1, 2, 3, 4। इस डोर से अंदर आते ही आपको बाई तरफ किचन मिलेगा। इस किचन का साइज़ है 7 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 5 इंच। इस किचन में मैंने 2 विंडो दिए, दोनों विंडो ही आपका 3 फीट का रहेगा। इस किचन में आपको ओवन यहाँ पर रहेगा पूर्व दिशा में, और बेसिन यहाँ पर, और इस किचन के साथ ही मैंने डाइनिंग एरिया दिए जो 4 यूज़र है। अभी इस किचन से बाहर आते हैं। किचन से बाहर आते ही दाहिने तरफ आपको फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम का साइज़ है 12 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 7 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए, ये विंडो आपका 5 फीट का होगा और ये विंडो आपका 3 फीट का। इस बेडरूम के साथ मैंने एक पोर्च भी दिए। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट, और पोर्च का साइज़ है 12 फीट 8 इंच बाई 3 फीट 3 इंच। अभी इस पोर्च से बाहर आते हैं, और इस बेडरूम से भी। इस बेडरूम का डोर का साइज़ है 3 फीट। बेडरूम से बाहर आते ही आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फीट 1 इंच बाई 12 फीट 5 इंच। इस ड्राइंग रूम में मैंने बाई तरफ सीटिंग एरिया दिए जो 5 यूज़र है, और दाहिने तरफ यहाँ पर मैंने दिए टीवी यूनिट। अब देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। आपका सेकेंड बेडरूम इस सीटिंग एरिया के पास यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट, और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 7 इंच बाई 11 फीट 7 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए जो 5 फीट का रहेगा, और इस बेडरूम के साथ मैंने एक अटैच टॉयलेट भी दिए। इस डोर का साइज़ रहेगा 2.5 फीट, और टॉयलेट का साइज़ है 4 फीट 5 इंच बाई 3 फीट 7 इंच। इस टॉयलेट में यहाँ पर एक वेंटिलेटर होगा जो 2 फीट का रहेगा। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं, और इस बेडरूम से भी, और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम इस स्टेयरकेस के पास यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 3 फीट, और बेडरूम का साइज़ है 9 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 7 इंच। इस बेडरूम में मैंने एक ही विंडो दिए जो 5 फीट का होगा। आपका घर का सामान यहाँ पर रख सके, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई विंडो नहीं दिखाई। आप चाहे तो यहाँ पर विंडो रख सकते हैं। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं, और देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। आपका कॉमन टॉयलेट इस बेडरूम के पास मिलेगा। इस डोर का साइज़ रहेगा 2.5 फीट, और टॉयलेट का साइज़ है 4 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 6 इंच। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से होगा। आपका अटैच टॉयलेट का एक छत लिंटन लेवल तक होगा, और एक छत इस रूफ लेवल में होगा, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। अब इस टॉयलेट से बाहर आते हैं, और देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 8 इंच। आपका स्टेयरकेस का आप यहाँ से होगा, और यह आपका फर्स्ट राइजर यहाँ से 3 फीट की दूरी पर स्टार्ट होगा, और आपका स्टेयर का चौड़ाई रहेगा 3 फीट। यहाँ पर टोटल आपका 20 राइजर है, और इस लैंडिंग का चौड़ाई रहेगा 3 फीट। अब मैं दिखाऊंगा इस ड्राइंग के सारे डायमेंशन। यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन दे दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।